腕かかる。बैठ जा चाचा, ओ बैठ जा। Using on 2nd of December, which is a T series project directed by Vishal Pandya, and I've just started. I'm starting with Tom, Dick and Harry. So I think next year I'll have another release, Tom, Dick and Harry, which is a comedy film. So I think I'm very excited that I have two different genres. One is thriller and one is comedy. Well, it was amazing walking the ramp. I think I always have fun whenever I walk the ramp, and especially when you're walking for your friends. Arjun is a very close friend of mine, and I think it's amazing the kind of look that she's given me. We've kept it very simple. बहुत loud नहीं है, बहुत ज़्यादा showstopper है, तो ऐसा कुछ नहीं दिया कि बहुत gothic या बहुत ज़्यादा. She's given me the most simple dress of the show, so I think it's very pretty, and I think we've teamed up with the jewelry, which is very very elegant, very English. और I think ये jewelry का एक pattern है जो हमेशा कहते हैं ना सदाबहार styles होते हैं जो कभी out of fashion नहीं जाते, so I think I just love this. Talking about the ongoing project, उसके बारे में बताइए कैसे चल रहा है क्या? Well, we have almost completed वजह तुम हो. अभी हम सिर्फ गाने shoot करने के लिए Georgia जाने वाले हैं next week, and 12th October is a teaser, and 2nd December is a release. So I'm really looking forward. Thriller है. बहुत एक्साइटिंग स्क्रिप्ट है, जिस तरह हर एक्टर कहता है अपनी फिल्म के लिए. आई थिंक मैं भी वही कहूँगी कि बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म है. आई एम श्योर पीपल आर गोना लव द फिल्म. वेल, आई एम प्लेइंग अ वेरी मच्योर कैरेक्टर विच इज़ टोटली अपोजिट फ्रॉम माई कैरेक्टर, एंड आई एम प्लेइंग अ लॉयर. सो आई थिंक डेफिनेटली दिस फिल्म हैज़ बीन वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज प्लेड लाउड कैरेक्टर्स, विच हैज़ बीन माई साउथ फिल्म और माई फर्स्ट हिंदी फिल्म विच आई डिड अ स्मॉल कैमियो इन जय हो. सो आई थिंक उन सबसे अगर आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मेरे लिए, एंड देर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट आई एम डूइंग थ्रू आउट द फिल्म. सो आई थिंक आई हैड टू रियली टेक केयर कि जो भी है मैं अपना बेस्ट दूँ, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट फिल्म. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड आई होप दैट पीपल लाइक मी. यू नो द फिल्म भी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ एज सच, अगर सक्सेसफुल होती है इन केस तो टर्निंग पॉइंट भी. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आई थिंक सक्सेस इज ऑलवेज टर्निंग पॉइंट फॉर एनीबडीज लाइफ, यू नो, वेदर इट्स एक्टर, वेदर इट्स सिंगर, वेदर इट्स आर्टिस्ट.
success always turns everything upside down. So I think definitely we all hope that everything happens good for everybody, because when you make a film, it's a teamwork. जहाँ पे सिर्फ एक actor नहीं, director, cameraman, writers, I think बहुत लोगों की सालों की मेहनत होती है, which eventually पर्दे पे आती है, and it's Friday that decides everybody's destiny. So I hope second happens to be my best Friday of my life. सर, सलमान की काफी तारीफ करते हैं, क्या कहना है सलमान की marriage को लेकर बात करें? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ जब से मुझे पता चला है, and I hope अगर ये हो रहा है तो all the very best to him. मैं भी आपकी न्यूज़ से ही सुनती हूँ जो आप लोग छापते हो कि ये हो रहा है, तो मैंने कहा वेरी गुड अगर हो रहा है. जैसे आपने छापा उनकी शादी होने वाली है, तो आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज गोइंग टू सेटल नाउ. इफ ही इज गोइंग टू सेटल, आई थिंक वी ऑल वांट टू सी हिम मैरिड एंड हैप्पी, एंड आई थिंक इफ इट्स हैपनिंग इट्स बेस्ट फॉर हिम. आपने बिग बॉस के साथ अनाउंस किया था कि मैं सलमान के साथ एक मूवी कर रही हूँ. जी, क्या हुआ? किसकी बात? सलमान के साथ एक मूवी आने वाली है काफी पहले, जब बिग बॉस के बाद आपने बोला. बिग बॉस के बाद जय हो तो किया ना अभी, उसके बाद भी बताया? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद मैंने कभी कुछ नहीं कहा. आई थिंक लोग अज्यूम बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, बट आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी उन्होंने मुझे मौका दिया जय हो में. आई थिंक उसके बाद हम हर एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म देता है तो उसे आप यूज़ करो और उसे और मल्टीप्लाई करो. सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ. यस, मैं सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहूँगी, एंड आई होप कि हम सब फ्रीडम तो है ही सबको, जो भी करना है उसके लिए तो फिर करो. बाय. ले बेटा अच्छे से, आप भी नहीं ले. अच्छा, मेरा ले रहा है ना जवानी रहा, अक्षय कुमार है ना मेरा. ब्लू टी शर्ट लास्ट साठ ये चांस ही आएगा भाई. थैंक यू. Mama, I'm just trying to get down.
I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no